नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में आपका। कंपेयर करते हैं स्कॉर्पियो एन में जो अपडेट्स मिली है रिसेंटली, तीन वेरिएंट्स में, Z8 सेलेक्ट, Z8 और Z8 लग्जरी पैक। तीनों गाड़ियों में क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं वो भी बताएंगे, साथ में कंपेयर करते हैं फीचर्स वगैरह, जिससे आइडिया लग सके कि वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन में इन तीनों में से कौन सा वेरियंट ज़्यादा फिट बैठता है। बहुत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय गाड़ी है दोस्तों, काफ़ी लंबी वेटिंग रहती है, इसमें वेरिएंट कौन सा अच्छा है वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन में वही बताना हमारा उद्देश्य है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले चीज़ जो कॉमन रहेगी, पेट्रोल और डीजल तीनों वेरिएंट्स को एक साथ आप ले सकते हैं, पेट्रोल में भी ऑप्शन मिलते हैं और डीजल में भी। जो चीज़ आप Z8 सेलेक्ट में नहीं ले सकते वो है 4x4 ऑप्शन, बाकी तीनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल या डीजल सब कुछ आप ले सकते हैं। जो Z8 सेलेक्ट है उसकी शुरुआती कीमत है पेट्रोल मैनुअल की 17,19,000 रुपये, तो 20,000 रुपये के आसपास प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद जो Z8 है उसकी शुरुआत होती है 18,84,000 रुपये में और Z8L की शुरू होती है 20,54,000। तीनों ही गाड़ियाँ इसमें जो कंपेयर कर रहा हूँ मैं, वो तीनों डीजल 4x2 ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट है जो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। अब कलर का भी आइडिया दे दूँ, Z8 सेलेक्ट आपका नेपोली ब्लैक कलर में है, Z8 जो है वो आपका एवरेस्ट व्हाइट में है और ये है रिसेंटली नया कलर मिडनाइट ब्लैक, किसमें लग्जरी पैक वाले में। अब फ्रंट फेसिया शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जो हेडलैम्प का सेटअप वो एग्जैक्टली सेम है तीनों गाड़ियाँ से, मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ मैं, आपको पूरे तरीके से LED सेटअप मिलता है, सी शेप की एक DRL मिलती है। तो फ्रंट का जो लुक है पहचान नहीं पाएंगे आप कि फ्रंट से कौन से वाले वेरिएंट आपने परचेज किया है। थोड़ा सा जिन व्यक्तियों को समझ होगी वो देखने बाद पता कैसे लगा सकते हैं कि लग्जरी पैक में आपको फ्रंट फेसिया पे भी यहाँ पर लोगों के नीचे क्या मिलता है, कैमरा मिलता है, क्योंकि 180 डिग्री कैमरा मिलता है ना, फ्रंट और बैक साइड में नहीं मिलेगा, सिर्फ आगे पीछे आप चीज़ों को देख सकते हैं, तो चीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। फ्रंट में जो पार्क सेंसर है वो आपको एक्स्ट्रा दिखाई देंगे, किसमें, सिर्फ लग्जरी पैक में। ये देखिए एक सेंसर यहाँ पर है, एक दूसरे इस हाउसिंग में दिया गया है आपका। बाकी चीज़ें आप देखिए पूरे तरीके से, इंडिकेटर वगैरह डायनेमिक, ये आपको Z8 सेलेक्ट से ही मिलते हैं। तो दो फर्क है वो भी बारीकी से देखने के बाद आपको पता चलेंगे, उसके बाद सब कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी। कितने बेहतरीन तरीके से देखिए, बहुत प्रीमियम दिखाई देता है दोस्तों मिडनाइट ब्लैक कलर भी, आप ऑप्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो Z8 और Z8 सेलेक्ट है ना, इसमें आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील मिलेंगे। देखिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये Z8 सेलेक्ट इस समय आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पूरी प्रोफाइल लिख रखी है 245/65R17। अब ये आपका Z8, इसमें देख लीजिए 245/65R17। लेकिन जैसे आप लग्जरी पैक वाला वेरिएंट लेंगे ना, तो यहाँ पर 18 इंच के हो जाते हैं, देखिए 255/60R18। अच्छा, एक चीज़ का फर्क क्या कहाँ पड़ता है आप सोच रहे होंगे, जो ग्राउंड क्लियरेंस 187mm कंपनी बोलती है, तो टायर का साइज बड़ा छोटा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता दोस्तों? जिसमें 18 इंच आपका अलॉय का साइज हो जाता है ना, उसमें साइड वॉल छोटी हो जाती है टायर की, तो ओवरऑल जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ना पूरी, आपकी जो रेडियस बोल सकते हैं टायर के साथ मिला के, वो सेम रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सेम क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सेक्शन मिलता है वो 65 मिलता है। देखिए ये रहा, मैं फोकस कर देता हूँ, देखिए 65% साइड वॉल और यहाँ पर साइड वॉल आपकी कितनी 60%, तो इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस आपकी सेम है 187mm की। अब जो ORVM है वो भी देखिए, उसी काफ़ी बड़े बड़े हैं बॉडी कलर के हैं और LED टर्न इंडिकेटर उसके ऊपर ही मिलेगा आपको तीनों वेरिएंट्स में जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ। Z8 सेलेक्ट बहुत ज़बरदस्त वैल्यू क्रिएट करता है दोस्तों, यदि बजट की थोड़ी समस्या से जूझ रहे हैं ना आप, क्योंकि तकरीबन 4 लाख के आसपास का फ़र्क है Z8 सेलेक्ट में और Z8 लग्जरी पैक में वेरिएंट टू वेरिएंट, तो 4 लाख काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो उस गाड़ी के लिए आप जा सकते हैं। अब साइड स्टेप आपको Z8 और Z8 सेलेक्ट और Z8 लग्जरी तीनों में मिलेगी, हालांकि इस समय पे यहाँ पर Z8 जो सेलेक्ट उसमें इंस्टॉल नहीं कर रखी है, लेकिन मिलती जरूर है, टेंशन ना लें उस चीज़ की। अब अगला फ़र्क क्या है दोस्तों, ये जो क्रोम फिनिशिंग सा डोर ओपनिंग हैंडल है ना, ये Z8 से मिलने शुरू होते हैं आपको, Z8 सेलेक्ट में नहीं मिलेंगे, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाकी क्रोम फिनिशिंग और डोर लाइनिंग वगैरह ये आपको सेलेक्ट से मिल रही है, रूफ रेल सिल्वर कलर में मिल रही हैं, हम सब की चैती संदरूप भी मिल रही है तीनों वेरिएंट्स में जो कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं है। एडिनॉक्स का जो स्पोर्ट है 1 साल के लिए तीनों वेरिएंट्स में मिलेगा आपको जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब पीछे का लुक दिखाता हूँ, इस समय आप जो देख रहे हैं ये है Z8 सेलेक्ट, तो यहाँ पर भी आगे और पीछे दोनों तरफ डायनेमिक इंडिकेटर्स मिलते हैं, वोल्वो इंस्पायर्ड आपको टेल लाइटें मिलती हैं, तो चीज़ कॉमन रहेगी, LED का पार्ट उसमें तकरीबन सभी चीज़ें, बस जो रिवर्स गियर के लिए वहाँ पर आपको हैलोजन का बल्ब मिलता है लोअर बम्फर में, पीछे वाइपर वाशर कैमरा, ये तीनों वेरिएंट्स को जो कंपेयर कर रहा हूँ मिलता है आपको, मैं जल्दी से दिखा भी देता हूँ। देखिए जो फ़र्क है वो ये है रिक्वेस्ट सेंसर, क्योंकि कीलेस एंट्री को सपोर्ट करता है Z8 सेलेक्ट नहीं करता है, Z8 से शुरू होती है कीलेस एंट्री,
बाकी चीजें सेम टू सेम रहेंगी दोस्तों, कोई फर्क नहीं है बाकी चीजों में। ये आपका लग्जरी पैक वाला वेरिएंट है, कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है कि कौन सा सेलेक्ट है, कौन सा सिंपल है, कौन सा लग्जरी पैक वाला है। तो ये यदि आपको जानकारी होगी तभी बारीकी से आप पहचान सकते हैं। अंडर बॉडी आपको स्पेयर व्हील मिलेगा और ये देखिए लग्जरी पैक है, स्टील नहीं मिलता, हेलोय नहीं मिलेगा दोस्तों। आउटर में तो यही चेंजेस हैं, कीलेस एंट्री आपकी Z8 से शुरू होती है, तो एक लग्जरी फीचर है वो Z8 सेलेक्ट में नहीं मिलता है। आगे यहाँ जो कैमरा है वो सिर्फ लग्जरी पैक में मिलता है, 18 इंच के अलॉय व्हील आपको लग्जरी पैक में मिलते हैं। ये तो आउटर साइड में फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। अब लेके चलते हैं इंटीरियर में, जो कि जो भी अपडेट्स हुई हैं ना वो आपकी इंटीरियर तक सीमित है दोस्तों। तो लेदर वगैरह का इस्तेमाल बड़े शानदार तरीके से किया गया, डुअल टोन इंटीरियर आपका चॉकलेट ब्राउन विद ब्लैक, तो एक प्रीमियमनेस Z8 सेलेक्ट से मिलनी शुरू हो जाती है आपको और काफ़ी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट की गई इन चीज़ें इसमें। अब जो ORVM है इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आते हैं, फोल्ड नहीं होंगे आपके ये सभी पावर विंडो कंट्रोल, आपके ड्राइवर साइड वाली ऑटो रहेगी, जो ड्राइवर सीट वाइट के लिए भी और लंबा स्पोर्ट दोनों को सपोर्ट करती है। कुछ ऐसी चाबी मिलेगी आपको, एक रिमोट वाली चाबी है, लॉक अनलॉक बटन, और दूसरी आपकी डमी चाबी मिलती है। देखिए Z8 सेलेक्ट में चाबी के साथ भी थोड़ी कॉस्ट कटिंग की गई है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि लेदर की सीटें मिलती हैं आपको, जैसे टॉप मॉडल मिलेंगे वैसे ही आपको Z8 सेलेक्ट से मिलनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर हेडलाइट लेवलर है, तो चाबी को लगा दें और आप अंदर देखते हैं क्या चीज़ें मिलती हैं। ऑटोमेटिक है तो दो ही पेडल मिलेंगे, तो प्रॉपर डेड पेडल आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से बोनट को ओपन कर सकते हैं आप, डीजल इंजन होने के बावजूद भी जो NVH है काबिले तारीफ है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल। ये कमेंडेबल जॉब की है महिंद्रा ने, इसके लिए सलूट बनता है, कितना अच्छा काम किया है। लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलता है आपको, क्रूज कंट्रोल वगैरह सभी चीजें मिलेंगी। जो स्टेयरिंग व्हील है वो सिर्फ आपका टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। इधर हेडलैम्प के कंट्रोल आपके, इधर वाइपर वॉशर कंट्रोल है। ऐसे 8 इंच का आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें जो कैमरा है देखिए इस तरीके की क्लैरिटी के साथ आता है, अलग अलग व्यू ले सकते हैं उसका आप, तो इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, क्लैरिटी ओके ओके। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो ऐप पर काबिले आपको इसी वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों, ये काबिले तारीफ चीज़ है। बार बार आपको ज़्यादा तार वगैरह यूज़ नहीं करने पड़ेंगे जो केबल्स वगैरह है। वायरलेस चार्जर एड हो चुका है Z8 सेलेक्ट से, ये एक बड़ा चेंज है। दूसरा जो चेंज है वो ये सेंट्रल जो आप कंसोल देख रहे हैं ना गियर नॉब के आसपास, ये पियानो ब्लैक में पहले नहीं मिलती थी हमने लगी है, तो एक प्रीमियमनेस ऐड करने की कोशिश की गई कंपनी तरफ से। दो बड़े चेंज यही रहेंगे इंटीरियर में दोस्तों, कि वायरलेस चार्जर और ये थोड़ा सा पियानो ब्लैक का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। बाकी लेदर ऐप वगैरह पहले से मिला था आपको, मैनुअल IR भी मिलता है, सनग्लास होल्डर मिलता है, हम सब की चैती संदरू मिलती है, वारंटी मेरा मिलेगा लाइट के साथ, LED लाइट है। अच्छा इंटीरियर की सभी लाइट LED रहेंगी दोस्तों, ये चीज़ इधर ड्राइवर साइड सनवाइजर पे आपको क्या मिलता है, टोल रिसीट होल्डर। ये जो ग्लोव बॉक्स है ये कूलिंग वगैरह नहीं मिलेगी आपको Z8 सेलेक्ट में, तो ये चीज़ें रहेंगी। सीटें काफ़ी कंफर्टेबल हैं, देखिए आप आर्म रेस्ट भी सॉफ्ट मिलता है और उसके नीचे छोटा मोटा स्पेस है, ज़्यादा तो नहीं है। तो ये बात तो ही Z8 सेलेक्ट की। अच्छा जो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो सेफ्टी फीचर्स है ना Z8 सेलेक्ट में सारे मिलते हैं, जैसे टॉप में मिलेंगे आपको 6 एयरबैग्स वगैरह, देखिए पिलरों में भी आपको एयरबैग वगैरह दिख रहे होंगे, स्टेयरिंग व्हील पे लिखा हुआ मिल रहा होगा, तो 6 एयरबैग जो मिल रहे हैं आपको Z8 सेलेक्ट में मिल रहे हैं। तो सेफ्टी में कटौती नहीं की गई कंपनी तरफ से किसी प्रकार की, ये एक चीज़ काफ़ी शानदार है। ये पीछे का स्पेस है, ये 7 सीटर वर्जन आपका, देखिए एक सी टाइप का चार्जिंग पॉइंट वगैरह, AC के वेंट्स मॉड्यूल के साथ कूलिंग जबरदस्त करता है। इंटीरियर लाइटें देखिए लास्ट रो तक मिलती हैं आपको, LED रहेंगी सभी, बड़े शानदार तरीके से ब्राइट अप होती हैं। ये आपके साइड स्टेप में अभी इंस्टॉल नहीं किए गए, बाद में डिलीवरी के टाइम पे करेंगे। बाकी बूट वगैरह वो एग्जैक्टली सेम है, कॉपी पेस्ट, तीनों वेरिएंट्स में कोई चेंज नहीं है। देखिए लास्ट रो को फोल्ड करके आपका लगेज के लिए ठीक ठाक सामान रखने के लिए जगह बन जाती है, ना तो अपना कैरियर ऊपर इंस्टॉल करके आप रख सकते हैं। ये रहा रिक्वेस्ट सेंसर, यहाँ पर मिलता है एक रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर भी मिलता है, बाकी को ड्राइवर सीट पर नहीं मिलता है, तो वहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है। सबसे पहले चीज़ जो नोटिस करेंगे आप कि सभी चीज़ें कॉमन सी हैं, बड़ा ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पर जो आर्मी में इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट प्लस फोल्डेबल मिलते हैं आपको, ये बेहतरीन चीज़ है। बाकी सीट एग्जैक्टली सेम है जैसे सेलेक्ट में थी, कोई फ़र्क नहीं है वहाँ पर। अगला क्या फ़र्क है, ये पुश बटन स्टार्ट, ये आपको कहाँ नहीं मिलता है। देखिए ऑन रोड आते आते तीनों गाड़ियों में आपस में 2 लाख का फर्क है, Z8 सेलेक्ट से Z8 पे आएंगे तो 2 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपको। 2 लाख में एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक तो ये फोल्डेबल ORVM मिल रहे हैं आपको, पुश बटन स्टार्ट मिल रहा है, कीलेस एंट्री मिल रही है, मतलब रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है आपको, तो बाहर की तरफ से देखने पर ये फर्क पता चलेंगे आपको।
और जंप करके जब अंदर आएंगे ना गाड़ी के, तो वहाँ से और क्या चीज़ें हैं, और ज़्यादा कुछ फर्क आपको देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पर भी वायरलेस चार्जर एड ऑन कर दिया गया है, ये भी पियानो ब्लैक मिलेगी अब आपको। तो जो एक्स्ट्रा फीचर एड ऑन हुए ना इंटीरियर में, यही दो हुए हैं दोस्तों, उसमें भी और इसमें भी, कि वायरलेस चार्जर मिलने लग गया अब आपको जो पहले नहीं मिलता था। उसके अलावा क्या है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प Z8 से मिलते हैं आपको, सेलेक्ट में नहीं मिलेंगे। ऑटोमेटिक वाइपर ये भी आपको सेलेक्ट में नहीं मिलते हैं, इसी में मिलेंगे। कूल्ड ग्लो बॉक्स ये भी आपको किसे मिलेगा, Z8 मिलेगा, सेलेक्ट में नहीं मिलेगा। यही चेंजेस है दोस्तों, बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी, कोई फर्क नहीं है। सेफ्टी फीचर्स वगैरह एग्जैक्टली सेम है। जो की फोब है ये अलग है, इसमें दोनों ही चाबियां रिमोट वाली मिलती हैं, किसमें Z8 में, सेलेक्ट में सिर्फ एक मिलती है, और उसमें भी बूट ओपन करने अलग से बटन नहीं है। यहाँ पर स्टार का बटन है, फेवरेट बटन, जो गाड़ी को इंडिकेटर्स को ब्राइट अप करके आपको पहचानने में सुविधा प्रोवाइड करता है, बाकी चीज़ें कुछ नहीं है। तो 2 लाख रुपए में क्या फर्क है दोस्तों, Z8 सेलेक्ट से Z8 के ऊपर आएंगे, फोल्डेबल ORVM आ गया, पुश बटन स्टार्ट आ गया, और क्या है, दोनों ही चाबी आपकी ऐसे रिमोट वाली आ गई, ऑटोमेटिक हेडलैम्प वाइपर आ गए हैं आपके। तो यही बड़े फर्क हैं। एक जो ग्लो बॉक्स है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, कूल्ड हो गया है, उसमें एयर ब्लोअर मिलता है आपको, तो सामान कुछ बेवरेज वगैरह लेंगे आप तो ठंडी रहेंगी वो। यही एक डिफरेंसेस है दोस्तों। तो 2 लाख थोड़ा सा बड़ा अमाउंट मुझे लगने लग जाता है कि आपके लिए होने वाला है। बाकी ये डोर ओपनिंग हैंडल के ऊपर क्रोम वगैरह फिनिशिंग दी गई है। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, या तो Z8 सेलेक्ट लीजिए या फिर लग्जरी पैक के ऊपर कूदिए दोस्तों। इसमें एक ड्रामेटिक चेंजेस हैं। सबसे पहले तो अलॉय व्हील बड़े हो जाते हैं, तो स्टांस और बढ़िया हो जाता है गाड़ी का, 18 इंच के लग जाते हैं आपको। फ्रंट में कैमरा ही मिलता है, ये भी एक्स्ट्रा है, खासतौर पर टाइट पार्किंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है आपको। एक बार मैं फ्यूल कैप ओपन करके दिखाता हूँ। तीनों गाड़ियों में स्मार्ट फ्यूल कैप ओपनिंग सिस्टम मिलता है। गाड़ी यदि अनलॉक हो गई तो तरीके से टैप करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपका एड ब्लू डलता है, और यहाँ पर आपका डीजल भरवा सकते हैं। 57 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है डीजल के साथ। बाकी अब लेके चलता हूँ मैं गाड़ी के अंदर। ये देखिए, ये चीज़ें Z8 और Z8 लग्जरी पैक में सेम टू सेम मिलेंगे आपको। यहाँ पर भी ऑटो फोल्डेबल ORVM वगैरह मिलते हैं। अब यहाँ पर 2 लाख में फीचर गिनते जाइए दोस्तों, कितने ज़्यादा हैं। फ्रंट कैमरा आ गया, 18 इंच के अलॉय व्हील आ गए हैं, पावर ड्राइवर सीट आ गई है, देखिए ये बटन वाली, ये चीज़ एक्स्ट्रा है। ये दोनों ही फ्रंट की सीटें वेंटिलेशन है बिल्कुल। गर्मियों में नॉर्थ इंडिया में जो भी रहता है, इस चीज़ की कीमत उसको भली भांति पता है कि वेंटिलेशन किस कदर मददगार है लंबी ड्राइव पे। फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आ गए हैं, बाकी ये चीज़ें तो खैर कॉमन ही है इसमें। अच्छा, ड्राइवर ड्रोजिनेस डिटेक्शन एक आगाह करेगी यदि आपका स्टेयरिंग व्हील के ऊपर पकड़ कमज़ोर हो जाती है, आपको नींद वगैरह झपके आने की संभावना बनती है, तो चीज़ ये गाड़ी आपको अलर्ट कर देती है। उसके बाद 12 स्पीकर का सोनी का म्यूजिक सिस्टम, धूम धड़ाके वाली आवाज़ है भाई, मज़ा आ जाएगा, इतनी अच्छी आवाज़ है। ये एड ऑन क्या हुआ है, ऑटोमेटिक IRVM सिर्फ टॉप मॉडल मिलेगा आपको। कितना अच्छा फ्रेमलेस, आप देखिए इसकी क्वालिटी नहीं आ रही, कितनी ज़बरदस्त है। वेंटिलेशन फ्रंट सीटों में, वायरलेस चार्जर, ये चीज़ें मिल रही हैं आपको। डुअल जोन AC, हाँ इसी भूल गया था मैं, Z8 में आपको Z8 सेलेक्ट में नहीं मिलता है, Z8 से शुरू होता है डुअल जोन AC, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है दोस्तों। बाकी कूल्ड ग्लो बॉक्स तो इससे नीचे वाले मिला, तो इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये फ़र्क है। अब वेंटिलेशन देखना चाहते हैं आप, तो लो जी दिखा देते हैं आपके। गाड़ी स्टार्ट कर दी है मैंने, इस तरीके से पूरा स्वैप लेती है। अब ये देखिए, दिख रही है आपको वेंटिलेशन सीटों में, देखिए ये इस तरीके से काम करता है। तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी निकलता है दोस्तों, पूरे ब्लोअर स्पीड मैक्सिमम है इस टाइम पे। और देखिए और ब्लोअर स्पीड जो AC है सामने की तरफ, इसकी भी दो पे मैंने अभी सेट की है, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करती इन चीज़ें, तो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा कैमरा दिखा दूँ मैं आपको, देखिए ये कैमरा है, ये फ्रंट का है, सामने देखिए वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखिए इसमें दिख रही हैं वो इस तरीके से। यहाँ पर डेडिकेटेड बटन दिया गया, इसके माध्यम से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और ये चीज़ें तो खैर कॉमन ही है, इधर भी सिर्फ आपको को-ड्राइवर सीट पे ही मिलेगा, को-ड्राइवर सीट वाले सनवाइजर पे ही मिलेगा वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड वाले में नहीं मिलता है। ये ऊपर वाले भी स्पीकर दिए गए हैं आपको, बाकी एयरबैग्स वगैरह जैसे मैंने बताया सेम है। अच्छा 6 सीटर वाला ऑप्शन है, तो देखिए इस तरीके से छोटा छोटा आर्मरेस्ट मिलते हैं आपको,
मेरे हिसाब से इसका 7 सीटर ऑप्शन ही लेना ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट रो कम्प्लीटली फोल्ड होती है, 50-50 फोल्ड नहीं होती है। तो 5 बंदे यदि बैठेंगे ना तो फिर लास्ट वाली रो आपको खोल के रखनी पड़ेगी, और खोल के रखनी पड़ेगी तो लगेज के लिए आपकी जगह नहीं होती है। तो 7 सीटर में ऑप्शन अच्छा हो जाता है कि बीच अगर 5 बंदे हैं तो आगे बैठ जाएंगे, फिर लास्ट रो पूरे तरीके से आप लगेज की तरफ फोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है थोड़ी सी, और एसी भी अच्छे तरीके से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे दोस्तों की एसी पॉइंट से कोई दिक्कत हो आपको। बाकी चाबियाँ Z8 जैसी मिलेंगे आपको यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से जानकारी रहेगी दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।